तो स्वागत करते हैं आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाइट व्यू से। और रात में कुछ इस टाइप का दिखता ही है ये। और एक्चुअली मेरी ट्रेन है यहाँ से निजामुद्दीन दुरंतो चेन्नई से आने वाली, जो कि फ़िलहाल अभी उसको आने में 1 घंटा बाकी है। और 1 घंटा बाकी है तो मैंने सोचा आपको इसी स्टेशन का नाइट का व्यू दिखा दूँ। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखा है इसलिए, ऑलरेडी दिन में काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, मैंने नाइट का वीडियो बना दिया है। तो चलते हैं अब स्टेशन के अंदर। एक्चुअली अभी वो वाला जो एंट्री देख रहे हैं ना आप, जहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, वो एंट्री अभी ओपन नहीं हुआ है। अभी इस नए वाले भवन, मतलब नया वाला जो बिल्डिंग है ना, यहाँ से एंट्री चालू अभी इसका। और ये है अपना फ़ोटो खिंचाने वाला, अगर आप इसको यहाँ पे सेल्फी, मतलब काफ़ी सारे सेल्फी लेते हैं। अगर दिन में आता तो बहुत भीड़ लगी रहती, रात में खाली है, मतलब रात में बिल्कुल ही खाली है। आई लव भोपाल और रानी कमलापति, मतलब अभी यहाँ पे ना मैं हूँ, आज हो रहा है 27 नवंबर और ठंड है यहाँ पे। भोपाल में ठंड है, दिल्ली में इतना ठंड नहीं है, लेकिन भोपाल में ठंड लग रही है। और लाइटिंग देखोगे आप कितनी सारी है। और ये स्टेशन का पूरा ना मॉडल सा बना हुआ है यहाँ पे। और आपको लगेगा ना जैसे हम किसी एयरपोर्ट पे आ गए हैं, मतलब इतना सारा स्पेस और दो दो एक्सेलेटर लगे हुए हैं, जीने भी हैं, लिफ्ट भी है, आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ना आपको ऊपर आना पड़ेगा, और अभी हम ऊपर आ चुके हैं। जलपान गृह जो कि अभी चालू नहीं हुआ है, ये कितना शांत शांत है ना। और ये इनका जलपान गृह जो कि अभी चालू हुआ नहीं है, मतलब हम यहाँ से ही ऊपर जा सकते हैं। और ये है इनका शायद रिटायरिंग रूम, ये तो डोरमेट्री है लेडीज़ के लिए, ये देखो। और इधर साइड डोरमेट्रीज हो गया आई थिंक। अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और अभी हम जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे। और सामने देख रहे हो आप, मतलब यहाँ पे ना स्पा एंड सैलून दोनों मिल जाएगा आपको। और ये हम आ गए सेकेंड फ्लोर पे। और ये रही LCD, मतलब जो ट्रेन्स के टाइम टेबल बताने वाली है हमें। और ये सारा वेटिंग रूम है। और आपको धूम्रपान निषेध है यहाँ पे, मतलब आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं पूरे स्टेशन पे।
और ये रानी कमलापति साफ तब तक रहेगा जब तक हम इस पर कमला पसंद ना थूकें। तो प्लीज़ ये जो साफ़ सुथरा स्टेशन है इसको साफ ही रखें, कमलापति स्टेशन पे कमला पसंद ना ठोकें, कमला पसंद तो बिल्कुल ना थूकें यहाँ पे, और इसको साफ़ ही रहने दें। अभी कितना साफ़ लग रहा है ना, मतलब इसमें अभी मैं देखूँ तो मेरी परछाई दिख रही है सामने, इसको जो है ना इधर ये एरिया, इस सामने वाले एरिया जो दिख रहे हैं उधर वॉशरूम है इस साइड। और ये सारा इसका वेटिंग रूम, मतलब आप कह सकते हैं वेटिंग हॉल की तरह कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म जाने के लिए रास्ता नीचे नीचे है, लेकिन आप वेट ऊपर भी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर भी सुविधा है, आप ऊपर भी वेट कर सकते हैं। ये सारा जो है ना वेटिंग एरिया की तरफ इस्तेमाल किया गया है। दोनों साइड प्लेटफॉर्म से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और एक्सेलेटर हैं, लेकिन आप ऊपर वेट कर सकते हैं। और अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक, यहाँ से ये प्लेटफॉर्म नंबर एक पे जाने का रास्ता है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पे। और जो अपनी निजामुद्दीन दुरंतो है ना, मतलब जो चेन्नई से आ रही है और निजामुद्दीन को जाएगी, वो इसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और मतलब कह सकते हैं कि हम ये कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा मेरे को, ये शायद ख़राब हो रखा है शायद, हाँ ये ख़राब, मतलब ही बंद किया गया, रात का समय है ना तो चल नहीं रहे, तो सीढ़ियों को इस्तेमाल कर लेते हैं। ख़राब नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि रात का समय है इसलिए शायद बंद कर रखा हो, क्योंकि इस टाइम अभी ना यहाँ पे ट्रेनें बहुत कम आने वाली हैं, दो तीन ही ट्रेनें आने वाली हैं अभी 2 बजे के आसपास। और ये हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, देख रहे हैं आप, मतलब जो LCD स्क्रीन यहाँ पे जो कोच को बताने के लिए जो LED स्क्रीन लगाई गई है हर कोच के सामने लगाई गई है। अभी हालांकि कोई ट्रेन आने वाली नहीं है इसलिए यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। और ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना वो कवर है, मतलब आपको सब समझेंगे कि ट्रेन के वो हम प्लेटफॉर्म पर हमें बारिश का पानी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कवर कर रखा है इन्होंने। ये है प्लेटफॉर्म नंबर एक, और वो सराय रोहिला से आने वाली और छिंदवाड़ा को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हमें दिख रहा है, वो नंबर 4 पे आ रही है। और अभी बज चुका है 1:23 और हमारी ट्रेन आएगी 2:04 पे, उससे पहले ही आ जाएगी, हालांकि ऑन टाइम चल रही है। ये ना बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब हम जब ट्रेन से उतरते हैं हमें ऊपर नहीं जाना है आपको, मतलब एग्जिट करने के लिए, अगर आपको बाहर जाना है यहाँ से भेल ISBT एम्स के लिए तो आप यहाँ से सीधे बाहर जा सकते हैं, मतलब ये जो है ना आप यहीं से सीधे बाहर भी जा सकते हैं, तो मतलब आपको ऊपर नहीं जाना अपना सारा लगेज लेके, बाकी जो स्टेशनों पे होता है आप इस स्टेशन पे ना मतलब ट्रेन से उतरिए, यहाँ आपको यहाँ उतरिए और यहीं से आप जो है बाहर जा सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी कम्फर्ट को देख के ही इस स्टेशन को जो है सही से दोबारा बनाया गया है। पहले इसका नाम हबीबगंज था, अब उसका नाम चेंज करके जब से इसको नया लुक दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। और ये रात का व्यू है, देखिए कितना शांत है, मतलब एक ट्रेन आके लगी हुई है इससे पहले, और अभी बिल्कुल सन्नाटा था, कुछ अभी भी स्टॉल्स खुले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मतलब अभी स्टॉल खुले हुए हैं क्योंकि एक ट्रेन आने वाली है, फिर जब ये चली जाएगी ट्रेन फिर वापस स्टॉल बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, हर स्टेशनों पे ना स्पेस काफ़ी दे रखा है। तो बस मैं आपको यही दिखाने वाला था कि रानी कमलापति, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है कितने पैसे में बनाया है क्या बनाया, ये सब आप बहुत सारे व्लॉगर्स ने बना चुके हैं, आप उनके वीडियो को देख लीजिए, मैंने बस दिखाया है कि मैं आज आया हूँ रात में कैसा लगता है ये। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप, Vicky Jha01 मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर भी फॉलो करिए। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अभी मैं सोने ही जाऊंगा, एक्चुअली ट्रेन आ जाएगी तो बाय।